हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू एवरीबॉडी। लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एसिड्स एंड बेसिस की डेफिनेशन, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे एसिड्स और बेसिस से रिलेटेड एक टॉपिक जो है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड और एसिडिटी ऑफ अ बेस। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले तो हम जानेंगे बेसिसिटी के बारे में। तो बेसिसिटी किसकी होती है? बेसिसिटी होती है एसिड की। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिसिटी है तो बेस से रिलेटेड बिल्कुल नहीं होगी और एसिडिटी है तो एसिड से रिलेटेड बिल्कुल नहीं होगी। एसिडिटी इज रिलेटेड टू अ बेस। अब ये हम क्यों पढ़ते हैं? तो ये हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें ये तो पता है कि एसिड और बेस कौन से आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, पर हाउ मेनी नंबर ऑफ आयंस आर प्रेजेंट ये हमें नहीं पता। तो ये हम पता करते हैं इन कॉन्सेप्ट से। जैसे लेट्स स्टार्ट, अगर हम बेसिसिटी की बात करते हैं तो पहले तो बेसिसिटी होती क्या है? तो बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ एच प्लस आयंस प्रेजेंट इन एन एसिड। सिमिलरली एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी होती है द नंबर ऑफ ओ एच माइनस आयंस प्रेजेंट इन एन एसिड। तो यहाँ हम सॉरी प्रेजेंट इन एन बेस। तो अब हम समझ पा रहे हैं कि नंबर ऑफ आयंस जितने प्रेजेंट होंगे बस यही एसिडिटी और बेसिसिटी है, कुछ ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे मैंने एग्जाम्पल उठाया H2SO4 का, यहाँ पर मैंने जब इसे डिसोशिएट कराया तो ये 2H+SO4 2- में ब्रेक हुआ, मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पर 2H+ है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल उठाया और मैंने उसको भी ब्रेक किया तो मुझे यहाँ पर भी 2 आयंस मिले। तो अब इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? तो इसकी एसिडिटी हो जाएगी 2। इसकी बेसिसिटी और इसकी एसिडिटी क्यों? क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है। एसिड्स एच प्लस आयन देते हैं, एच प्लस आयन्स के नंबर को जब हम एसिड में काउंट करते हैं तो वो बेसिसिटी होती है, और बेसिस ओ एच माइनस देते हैं, ओ एच माइनस को जब काउंट करते हैं तो वो एसिडिटी होती है। सिंपली अगर मैं इसमें एच सी एल का एग्जाम्पल ले लूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एच प्लस प्लस सी एल माइनस, यहाँ पर तो सिर्फ एक है तो यहाँ पर इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1। और यहाँ पर अगर मैं ऐसे ही एक एग्जाम्पल लूँ NaOH का, तो NaOH में भी बेसिसिटी हो जाएगी 1, एसिडिटी हो जाएगी 1, बिकॉज यहाँ पर भी हमें OH माइनस एकदम सिर्फ 1 दिख रहा है। अब ये तो था कॉन्सेप्ट हमारी डेफिनेशन और एग्जाम्पल का, हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, आई होप ये क्लियर हो गया है। अब इसके आगे हम ये जानेंगे कि 2 बेसिसिटी और 1 बेसिसिटी वाले को हम कहते क्या हैं। तो जिस देखिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मोनो मीन्स 1 एंड डाई मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स 3। तो जिसके पास बेसिसिटी 2 होगी उसे कहेंगे डाई बेसिक, और जिसके पास बेसिसिटी 1 होगी उसे कहेंगे मोनो बेसिक। सिमिलरली जिसके पास एसिडिटी होगी 2 उसे कहेंगे डाई एसिडिक, और जिसके पास एसिडिटी 1 होगी उसे हम क्या कहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आई होप दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू। मेरे पिछले वीडियोस को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत हो सकती है, इसलिए प्लीज़ चैनल में जो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उसे जाकर चेकआउट करिए और पिछले वीडियोज़ को देखिए। नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू कॉन्सेप्ट्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।